हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉइंट पी 3.4, पी 3.4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है वाई एक्सिस से। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट को प्लॉट करके देखते हैं। जो मैं पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट क्या दिया बेटा, पी 3.4। पी 3.4 का मतलब है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या बेटा, 4। तो एक्स पे 3 देखो, इट्स हियर, यहाँ से एक लाइन ऐसे ले लेंगे, ओके। और वाई एक्सिस पे 4 लेना है, वाई पे 4। तो पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट की लोकेशन कहाँ आएगी, ये पी 3.4, ओके। नाउ अब डिस्टेंस हमें किसका फाइंड करना था, पी पॉइंट पी का फ्रॉम वाई एक्सिस, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। देखो बेटा, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये परपेंडिकुलर भी है वाई एक्सिस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। अब हमें इसी लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये जो लाइन सेगमेंट और एक्स एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट, ये दोनों इक्वल है ना, देखो बेटा, यस दे आर इक्वल। तो इस पे जो इसकी जो लेंथ होगी ना इस लाइन सेगमेंट की, वो हमें एक्स एक्सिस से ही मिलेगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इस इंटरसेप्ट के इक्वल है। तो ये कितने यूनिट है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3, 3 यूनिट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इस एमसीक्यू को विद इन सेकेंड्स करने की, ठीक है। तो जब भी आपसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे ना, तो आप देख लेना कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वही एक्स कोऑर्डिनेट वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वाई एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट। और अगर एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई की वैल्यू बता दो आप बेटा, विच इज 4, ओके। तो अभी तो आपसे क्या पूछा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3.4 फ्रॉम वाई एक्सिस इज कितनी यूनिट बताई बेटा मैंने अभी, 3 यूनिट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 3।